दोस्तों, सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है अपने श्री राम के आगमन के लिए। 22 जनवरी 2024 को श्री राम अपने भक्तों के लिए वापस आ रहे हैं रामलला के रूप में अपने अयोध्या। इस बार राम जी का वनवास 14 साल का नहीं बल्कि 400 सालों का रहा। हर हिंदुस्तानी के संघर्ष के बाद आखिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व यानी राम का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान अयोध्या में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि लोगों को आश्चर्य में डालती हैं। आइए जानते हैं उसी के बारे में और अयोध्या के इतिहास के बारे में, जो कि हर हिंदुस्तानी को जाननी ही चाहिए, हर राम भक्त को जाननी ही चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। नंबर एक, दोस्तों ऐसे तो अयोध्या में राम जी का मंदिर लव कुश ने बनवाया था त्रेता युग में, लेकिन बाद में क्या आपको पता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण राजा विक्रमादित्य ने लगभग 500 ईस्वी में करवाया था। वे उज्जैन के राजा थे और उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया था। नंबर दो, दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला आने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले ही कुछ ऐसे जीव जंतु अयोध्या में दिखने लगे हैं, आने लगे हैं, जो कि विलुप्त प्रजातियों में आते हैं। मैं बात कर रही हूँ गिद्ध की। गिद्ध जो कि बहुत कम दिखाई देते हैं आजकल, या फिर दिखाई ही नहीं देते, और विलुप्त प्रजाति में इसकी गणना होती है। लेकिन अचानक से अयोध्या में गिद्धों का झुंड आ धमका है, और वैसे में एक ऐसे गिद्ध का आना जो कि हिमालय के क्षेत्रों में देखा जाता है, बहुत ही कम देखा जाता है, ये है सफेद गिद्ध, जो कि बहुत ही रेयर प्राणी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब सीता हरण हुआ था तो जटायु नाम के एक गिद्ध ने सीता जी को रावण के हाथों से छुड़वाने की कोशिश की थी और वह मारा गया था। लेकिन कहते हैं कि राम भक्त अभी भी हिमालय में किसी न किसी रूप में राम का इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं। लेकिन क्या गिद्धों का आना ये दर्शाता है कि जटायु भगवान के राम भक्त राम के आने से पहले राम के स्वागत में अयोध्या में आना शुरू हो गए हैं? ये भी एक आश्चर्य की। नंबर तीन, दोस्तों राम की बात हो और हनुमान की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ऐसा ही कुछ दिख भी रहा है। दोस्तों अयोध्या में राम के आगमन से पहले बहुत सारे बंदर यानी राम की वानर सेना आ पहुंची है, जो कि अयोध्या में आसपास देखी जा रही है। दोस्तों कहा जाता है कि और कोई नहीं बजरंग बली है, जो कि अपने राम के स्वागत में राम से पहले ही अयोध्या पहुंचा है। दोस्तों एक और इसी से जुड़ी घटना है जो मैं आपको बताती हूँ कि जब 1986 में राम मंदिर से जुड़ी याचिका पे कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब कहीं से एक बंदर अचानक से कोर्ट में आ गया और पूरी सुनवाई बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। ये और कोई नहीं बजरंग बली ही थे। अंत में जज साहब ने भी इस वानर को प्रणाम किया। कहीं ना कहीं उनके दिल में भी था कि ये और कोई नहीं हनुमान जी हैं जो श्री राम से जुड़ी बात सुनने के लिए कोर्ट में बैठे हुए हैं। ये घटना अखबार में भी छपी थी। नंबर चार, दोस्तों 22 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबज के नीचे से राम की मूर्ति प्रकट हो जाती है, और यह मूर्ति जमीन के अंदर से निकलती है। दोस्तों इसके बाद क्या था, हिंदुस्तानियों की आस्था फिर से जोर मारने लगी, और उनकी ये चाहत थी कि कहीं ना कहीं इस मस्जिद को हटाकर इस जगह पर मंदिर बनवाया जाए, क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ पर पहले मंदिर थी, और आखिर सालों के बाद उनकी आस्था की जीत हो ही गई। नंबर पांच, दोस्तों अयोध्या का मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है, यानी जिस शैली में दक्षिण भारत के मंदिर बनाए जाते हैं उसी शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों इस मंदिर का इतिहास ऐसे तो हजारों साल पुराना है, लेकिन 400 सालों पहले जब बाबर हिंदुस्तान आया और उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की स्थापना की,
तो एक किताब जिसका नाम है अयोध्या का इतिहास, उसमें ये बताया गया कि उसने एक जाने माने फकीर जिसका नाम फजल कलंदर था, उसके कहने पर अपने सेनापति मीर बाकी को ये आदेश दिया कि जाओ जाकर अयोध्या का मंदिर तोड़ दो और उसी स्थान पर एक मस्जिद बनाओ जिसका नाम बाबरी मस्जिद होगा। और उसके सेनापति ने कुछ ऐसा ही किया। मीर बाकी ने अयोध्या के मंदिर को तुड़वा कर मंदिर की ही सामग्रियों का इस्तेमाल करके वहां पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया और यह बात दीवार पे लिखी हुई पाई भी गई बाबरी मस्जिद। 1885 में यह मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचा, लेकिन 6 दिसंबर 1992 ये वही दिन था दोस्तों जब हजारों की तादाद में आए कार सेवकों ने अपने नेताओं के आगाज पर, जो कि कुछ बीजेपी के नेता थे, कुछ साधु संत थे और कुछ और भी नेता थे, उनके आगाज पर इस बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, वो भी कुछ ही घंटों में। दोस्तों इसका नतीजा ये निकला कि ऐसे तो बहुत ही जगहों पे दंगे फैल गए, लेकिन 1994 में अलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदेश दिया जांच का और केस शुरू हुआ बहुत सारे लोगों पे, मुकदमा दर्ज हुआ और चला भी, लेकिन यह मामला उसके बाद कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि एक और तुल पकड़ता गया। आखिरकार 2003 में हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया पुरातत्व विभाग को कि अयोध्या की खुदाई शुरू की जाए, और जब खुदाई शुरू हुई तो मस्जिद के नीचे काफी ऐसी चीजें पाई गई जो कि साबित करती थी कि वहां पर पहले मंदिर ही था। आखिरकार 2019 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह मंदिर बनना शुरू हुआ और आज यह बनकर तैयार है।